हे गाइस, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे बंदे के ऊपर आधारित है जिसने अपने नन्नू निकालकर घोड़े का नन्नू लगा लिया। फिर क्या क्या करता है, चलो देखते हैं। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं सेंग को, जिसकी अभी अभी शादी हुई है और आज उसका सुहागरात भी है। सेंग को यूंग के बारे में ये जानकर खुशी होता है कि वे अभी तक वर्जन है। यूंग को खपा खप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वे सब चीज़ से अनजान थी। अब सेंग भी पूरे जोश के साथ उसे अनबॉक्सिंग करने लगता है और जैसे ही यूंग के साथ टपा टप करने की कोशिश करता है तो यूंग उसे लात मार कर नीचे गिरा देती है। तो उसका इलाज ढूंढते हुए अगले दिन सेंग यूंग को फिल्म पिली वाली बुक दिखाता है जिसमें जॉनी भैया के सारे पोजिशन भरे हुए थे। यूंग ये सब देख कर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और फिर दोनों रगड़ कर संभोग करते हैं। फिर एक दिन सेंग अपने चेले के साथ झील के किनारे घूम रहे होते हैं, तभी उसकी मुलाकात बबलू राम चोर से होता है। सेंग उसके पास जाकर बातें करने लगता है और बातों ही बातों में वे चोर सेंग के सारे पैसे चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह एक लड़का सेंग से कहता है कि तुम्हारे लिए ज़बरदस्त चीज़ों का बंदोबस्त किया है। फिर वे सेंग को दो खूबसूरत लड़कियों से मिलवाता है जिसे देखकर सेंग की मुँह खुला का खुला रह जाता है, जिसके बाद सेंग उन लड़कियों को पटाने की कोशिश करता है। फिर वे उन लड़कियों को वही बुक दिखाता है जो अपने वाइफ को दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो जाता है। वे लड़कियों को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं वे दोनों लड़कियों को, जिसे सेंग की दिखाई हुई बुक को देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और एक बांसुरी की मदद से खुद को ब्लेजर देने लगता है। उसके बाद सेंग उस चोर के पास जाता है और उसे कहता है, यार तुम इतने सारे घरों में चोरी करते हो, तुम मेरे लिए बंदी का बंदोबस्त तो करो ना, जिसके साथ मैं टप कर सकूं। बबलू राम कहता है, ठीक है मैं बंदोबस्त करता हूं, लेकिन तुम ठीक से सर्टिफाइड तो कर लोगे ना। जिस पर सेंग कहता है, हाँ मैं इनमें तो माहिर हूं। उसी रात बबलू राम सेंग को एक बंदे वांग के घर ले जाता है, जहां छत पे चढ़ के उसकी बीवी को ताड़ने लगता है, जहां पर वांग अपनी बीवी के साथ लंबे समय तक लूडो खेल रहे थे। ये देखकर सेंग घबरा जाता है क्योंकि वे तो इतनी लंबी रेस का घोड़ा तो नहीं है। तो बबलू राम ने उससे पूछा कि बेटा तुम इतनी लंबी रेस तो कर लोगे ना। ये सुनकर सेंग को याद आया कि उसका घोड़ा लंबी रेस का क्या छोटी रेस का भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंग की बीवी को, जो सेंग को बेहद याद कर रही है और उसके याद में तड़प रही है। इधर सेंग भी परेशान है क्योंकि उसका घोड़ा चूहे के बराबर भी नहीं है, इसलिए वे गुस्से होकर अपने सामान को काटने लगता है। तभी वहां पर उसका चेला आकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपने चेले का ही केला उड़ा देता है। सेंग अपने चेले का केले को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहता है, बेटा देर हथियार चलाने का असर है। जिसके बाद सेंग उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन सारे क्लिनिक बंद थे। जिसके बाद वे पास के सज्जन के पास ले जाता है, वे सज्जन उसका केला वापस चिपका देता है और मेरा मन से एक ही आवाज निकलता है, ओ भाई मारो मुझे मारो। ये देखकर सेंग उससे पूछता है, क्या तुम मेरा छोटा नन्नू के जगह घोड़े का लगा सकते हो। जिसके बाद वे बंदा राजी हो जाता है और सेंग अगले दिन अपने घोड़े को लेकर उसके पास जाता है। फिर वे देरी न करते हुए उस घोड़े का घोड़ा इस बकरे के चूहे पर फिट कर देता है और अब भाई साहब सेंग की हथियार एकदम रेडी हो गई है। अगले दिन सेंग बबलू राम के पास जाता है और अपना घोड़ा दिखाता है। जब बबलू राम ने घोड़ा देखा तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वे सेंग से कहता है, इसे खड़ा करके तो दिखाओ। सेंग खड़ा करने की कोशिश करता है पर उसका बड़ा चेतन खड़ा नहीं हो पाता, जिसे देखकर बबलू राम अपना हथियार निकालकर उसका हथियार काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सेंग का सांप खड़ा होकर नांगी डांस करने लगता है, जिसके बाद वे सबसे पहले जाता है उसी भाभी के पास जिसे उसने छत से देखा था। जिसके बाद वे वाघ की बीवी को बातों ही बातों में फंसा लेता है, लेकिन तभी उसका पति वहां आ जाता है और सेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सेंग भी काफी चालाक था, वे अपने साथ बबलू राम को भी लेकर आया था। बबलू राम वांग की काफी पिटाई कर देता है, जिससे वांग अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी पर उतारता है और वे काफी ज्यादा मारकर शहर से बाहर चला जाता है। वांग शहर से बाहर जाने के बाद सेंग फिर उसकी बीवी के पास आता है और बातों में फंसा कर टपा टप करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वांग शहर से बाहर जाने से पहले बीवी की गुफा में लॉक करके गया है ताकि उसकी गुफा में कोई ना घुसा सके। सेंग कहता है, तुम इसकी जरा से भी टेंशन मत लो। फिर बबलू राम को बुलाता है जो एक ही झटके में लॉक खोल देता है, जिसके बाद सेंग वांग की बीवी का गेम बजाना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी बीवी भी उसका भरपूर मजा लेती है। लेकिन ये सब कुछ हमारी पड़ोसन वाली दीदी देख रही होती है और जब वांग शहर से लौटता है तो सारी चीज उगल देती है, जिससे वांग को गुस्सा आता है और सेंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन बबलू राम को देखकर उसकी फट जाती है। वांग उससे भीख मांगता
लगता है। उसे 1000 सोने का सिक्का दे दिया जाए जिसके बदले में मैं अपनी बीवी को आपके हवाले कर दूंगा। इस डील के लिए सेंग राजी हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वही दो लड़कियों को जिन्हें मूवी के शॉट में हम देखे थे। तो दोस्तों असल में लड़कियों जो है वे लिस्बन है, मतलब एक दूसरे के साथ काम चला सकती है। ये सेंग को पता चलता है तो वे मौके का पूरा फायदा उठाते हुए इसमें से का बजाना शुरू कर देता है। इधर वांग मास्टर आर्यन के यहाँ नौकर के काम में लग गया था और सेंग अभी भी उन लड़कियों की मजे ले रहा था। लेकिन तभी एक दिन वे दोनों में से एक को सेंग के हथियार के बारे में पता चल जाता है। फिर वे सेंग को एक जगह ले जाती है जहाँ पर पूरे हवस से भरी हुई लड़की थी। सेंग को ऐसा लग रहा था कि वे उसे सजा देने वाली है, लेकिन कहाँ, इस भाई का तो मजा ही मजा है। जिसके बाद सेंग हर लड़कियों के साथ टप टप करता है जहाँ व्याग्रा भी कम पड़ जाता है। इधर हम सेंग के वाइफ को देखते हैं जो सेंग की याद में खुद को ही आत्मा संतुष्ट दे रही है। पर इसी बीच वहाँ पर वांग आ जाता है और सेंग की वाइफ के साथ पानी में ही जबरदस्ती लूडो खेलता है। वांग के परफॉर्मेंस देखकर यूं उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों के बीच रिलेशनशिप हो जाती है। कुछ दिन बाद यूं वांग के साथ भाग जाती है और अपने फादर के लिए खत पढ़ जाती है जिसमें लिखा होता है कि वे वांग के साथ काफी खुश है और उसके बच्चे की भी माँ बनने वाली है। लेकिन असल में वांग के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। उसे योंग से प्यार नहीं था, वे तो सिर्फ सेंग से बदला लेने की फिराद में था जिसने उसकी बीवी छीन ली थी। वांग फिर यूंग को एक कॉल गर्ल्स के वाले के पास भेज देता है। अब फिर दिन बीत जाते हैं और यूंग अपनी नई जिंदगी में ढल जाती है। दूसरी तरफ हम सेंग को देखते हैं जो हद से ज्यादा टपटप करने की वजह से उसका हालत खराब हो चुकी होती है। बबलू राम फिर से उसे इलाज करवाने के लिए कॉल सेंटर भेजता है। फिर वे अपना इलाज करवाने के लिए उसी कॉल सेंटर में जाता है जहाँ उसकी बीवी अब कॉल सेंटर बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। यूंग सोचती है कि ये तो मेरा पति सेंग नहीं हो सकता क्योंकि उसका इतना बड़ा हथियार नहीं है। इधर सेंग भी काफी कमजोर हो गया था जो अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पा रहा था। पर घपा घप के समय यूंग सेंग को पहचान लेती है। फिर वे भगते हुए एक रूम में जाती है और फांसी लगा लेती है। सेंग को अपनी गलती पर एहसास हो चुका था इसलिए वे अपनी गलती को प्रचारित करने के लिए एक मोंग के पास जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ।